और रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने एक तरफ जहां रामगढ़ में जेएमएम की जीत की सुनिश्चित बताया और कहा कि रामगढ़ की जनता अब जाग चुकी है, साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पे भी जमकर हमला बोला। प्रतिष्ठा लोकतंत्र की होती है और माननीय मुख्यमंत्री का तो यह घर आंगन है, इसमें गिनती क्या, कोई घर में आने से गिनता है क्या कि कितना बार हम आएंगे और कितना बार हम वहां से निकलेंगे, इसलिए उनका आंगन है। आश्वस्त नहीं है, हमें विश्वास है कि लोगों का अपार जन समर्थन और उनका न्याय का गुहार हम लोगों के पक्ष में। बाबूलाल जी किस पार्टी के नेता है? जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आए और फिर कंबल ओढ़कर उसमें घुस गए, अपना घर के है ना घाट के, तो ऐसे में हम पा रहे हैं कि रामगढ़ की जनता बहुत आगे निकल चुकी है और रामगढ़ की जनता इस बार ठान चुकी है कि असत्य पर सत्य की जीत का मुहर कितने फासले पर होगा। इसके लिए 27 तारीख तक आप इंतजार कीजिए और 2 तारीख का उसका सफल देखिए। प्रतिष्ठा लोकतंत्र की होती है और माननीय मुख्यमंत्री का तो यह घर आंगन है, इसमें गिनती क्या, कोई घर में आने से गिनता है क्या कि कितना बार हम आएंगे और कितना बार हम वहां से निकलेंगे, इसलिए उनका आंगन है। आश्वस्त नहीं है, हमें विश्वास है कि लोगों का अपार जन समर्थन और उनका न्याय का गुहार हम लोगों बाबूलाल जी किस पार्टी के नेता है? जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आए और फिर कंबल ओढ़कर उसमें घुस गए, अपना घर के है ना घाट के, तो ऐसे व्यक्ति का कोई जवाब होता है? देखिए बाबूलाल जी तो कुतुब मीनार से भी कूदे थे, इसलिए बाबूलाल जी को आप लोग क्यों सीरियसली लेते हैं? अब उनका पटाक्षेप हो चुका है, यही रामगढ़ से वो MLA बने थे, उसके बाद कितना बार रामगढ़ आए, उससे थोड़ा हिसाब लीजिए। तो 2001 में जब विधायक बने और 2004 तक विधायक रहे, कितने बार रामगढ़ आए? आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, अब रामगढ़ आने की क्या जरूरत?